ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अन्य पदाधिकारियों के साथ घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में हो रही दुखद घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में कृष्णानगर में भी आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई। सचदेवा ने आग लगने की घटनाओं के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि अगर ये घटनाएं बिजली के तारों की खराबी के कारण हो रही हैं तो तार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 10 लोगों के करीब जान जाना, क्या सर? सर, दिल्ली में इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। मुंडका में हुआ, नरेला में हुआ, अलीपुर में हुआ, अनाज मंडी में हुआ, करोल बाग में हुआ, कृष्णनगर में मैं अभी होकर आया हूँ और इसके बाद यहाँ खड़ा हूँ। और दिल्ली सरकार आँखें मूंद के बैठी है, हर बात जांच की बात करते हैं और जांच के नाम पे फिर पैसा वसूला जाता है और जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। मेरा मानना यह है कि इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है। इन 7 बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने आँखें भी नहीं खोली थी और वो ऐसे में चले गए? इनकी हत्या हुई है, ये घटना नहीं है, ये हत्या है और जो जो इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन इलाके के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रिफिलिंग है। मैं कह रहा हूँ, अगर शॉर्ट सर्किट भी है तो बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है क्या? क्यों घटिया इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, क्यों बार बार मीटर बदले जाते हैं? इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग को लेनी पड़ेगी। क्या मुआवजे से उनके जख्म भर सकते हैं? मुआवजे से जख्म नहीं भरे जाते। जिस माँ ने अपने बच्चे को, जिसको अभी 4 दिन हाथ में नहीं उठा रहा, वो बच्चा चला गया, उस माँ का दर्द तो एक माँ ही समझ सकती है। इन्होंने तो बहुत घिनौना हत्याकांड किया। सर, इन्होंने कहा था, जो लोकल प्रेजिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि इसकी कंप्लेंट कई बार दे चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से इल्लीगल ये चीज़ें चल रही हैं और कंप्लेंट गई हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार का भ्रष्ट प्रशासन इन बच्चियों की मौत का जिम्मेदार है। सर, दिल्ली के विवेक। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।